हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में एज सून एज और नो सूनर का प्रयोग सीखेंगे। हम जानेंगे कि इनका प्रयोग किस सेंटेंस के पहले किया जाता है। चलिए तो बगैर टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले एग्जाम्पल में दो सेंटेंस लिखे हैं, उनको देखें क्या लिखा है। ही गेट सैलरी और सेकेंड में क्या लिखा है, ही स्टार्ट टू स्पेंड इट। इन दोनों सेंटेंस को हमको एज सून एज के द्वारा कंबाइन करना है, जोड़ना है। तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि जो एज सून एज है ना, इन दोनों सेंटेंस में से किस सेंटेंस के पहले आएगा। इसके लिए मैंने थ्योरी आपको बड़ी सरल तरीके से लिखी हुई है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जो एज सून एज है ना, उसको उस सेंटेंस के पहले रखा जाता है जिस सेंटेंस में पहले क्रिया घटित होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये दो सेंटेंस हैं, इन दोनों में क्या हो रही है, क्रियाएं घटित हो रही हैं। इन दोनों में से जिस सेंटेंस की पहले क्रिया घटित होगी, उस सेंटेंस के पहले हम एज सून एज को रख देंगे। तो देखते हैं किस सेंटेंस में घटित हो रही है। तो लिखा है ही गेट सैलरी, वह सैलरी प्राप्त करता है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, ही स्टार्ट टू स्पेंड इट, वह उसको फिर सैलरी को खर्च करने लगता है। तो पहले भैया सैलरी प्राप्त होगी, उसके बाद ही तो वह खर्च करेगा। तो कहने का तात्पर्य हुआ, ही गेट सैलरी वाले सेंटेंस में पहले क्रिया घटित हो रही है और नीचे वाले में क्रिया उसके बाद घटित हो रही है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो एज सून एज है ना, वह ही गेट सैलरी वाले सेंटेंस के पहले रखा जाएगा। जैसे देख सकते हैं एग्जांपल में क्या लिखा है, एज सून एज ही गेट सैलरी, और सेकंड सेंटेंस जब हम लिखते हैं ना, उसके पहले क्या लगा देते हैं, कॉमा, और सेकंड सेंटेंस को लिख देते हैं। इसी बात को इस तरीके से और समझा जा सकता है। सेकंड पॉइंट में देखें क्या लिखा है, या जो सेंटेंस क्रिया के घटित होने का समय बताएगा, उस सेंटेंस के पहले एज सून एज को रख दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य है, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस में जो क्रिया घटित हो रही होगी, उस क्रिया के घटित होने का समय बता रहा होगा। जैसे लिखा है ही स्टार्ट टू स्पेंड इट, वह सैलरी को खर्च करने लगता है। तो कब खर्च करने लगता है, जब उसको सैलरी प्राप्त होती है। तो सैलरी कब खर्च करता है, जब उसको प्राप्त होती है। तो खर्च करने का समय पहला सेंटेंस बता रहा है। जो सेंटेंस समय बताता है, उसके पहले हम एज सून एज का प्रयोग कर देते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो सेकेंड में लिखा है द रेड सी द कैट, रेड क्या करते हैं, कैट को देखते हैं। और सेकेंड में क्या लिखा है, दे रन अवे, वे भाग जाते हैं। तो पहले भागेंगे क्या पहले देखेंगे, तो बात तो यही हुई ना, पहले तो वो देखेंगे फिर उसके बाद भागेंगे। तो पहले सेंटेंस में जो क्रिया है ना, पहले घटित हो रही है, उसके बाद सेकेंड सेंटेंस की क्रिया घटित हो रही है। या अपन ऐसे देख सकते हैं कि वे भाग जाते हैं, कब भाग जाते हैं, जैसे वे देखते हैं। तो भागने का समय कब है, जब वह देख हैं। तो पहले सेंटेंस के पहले क्या लगा देंगे, एज सून एज को लगा देंगे, और सेकंड सेंटेंस को जब लिखेंगे तो क्या लगा देते हैं, कॉमा लगा देते हैं। ये एज सून एज का प्रयोग हो गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब चलिए तो किसका प्रयोग देखते हैं, नो सूनर का प्रयोग देख लेते हैं। नो सूनर का प्रयोग भी एज सून एज के समान ही किया जाता है। कहने का तात्पर्य है, नो सूनर भी उस सेंटेंस के पहले आता है जिस सेंटेंस में पहले क्रिया घटित होती है। इसलिए जो फर्स्ट और सेकंड रूल है ना, सेम रहेंगे, लेकिन थर्ड रूल इसका बदल जाएगा। लेकिन नो सूनर के बाद जो सेंटेंस आता है, वह इन्वर्टेड क्वेश्चन में लिखा जाता है। इन्वर्टेड क्वेश्चन किसे कहते हैं, जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में, उसको इन्वर्टेड क्वेश्चन कहते हैं। इसलिए नो सूनर के बाद क्या करना आवश्यक है, सेंटेंस को इन्वर्टेड में बदलना आवश्यक है। चलिए तो इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या लिखा है, एग्जाम्पल तो वो ही लिए गए हैं, सैलरी वाले, मतलब ही गेट सैलरी वाले सेंटेंस में पहले क्रिया घटित हो रही है, तो नो सूनर भी सेंटेंस के पहले आएगा। तो क्या लिखा है, नो सूनर लिख दिया गया, लेकिन ही गेट सैलरी को नहीं लिखना है, पहले क्या करना है, सेंटेंस को इन्वर्टेड में बदलना है। इन्वर्टेड में क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं। तो इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो नहीं रही है, जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना दी हो, तो उस सेंटेंस में हम क्या प्रयोग करते हैं, डू या फिर डज का या फिर डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब इनका हम प्रयोग कैसे करेंगे, तो इसको समझ लेते हैं। जो डू हेल्पिंग वर्ब है ना, इसके लिए आवश्यक होता है कि जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, और इसके अलावा वर्ब भी कैसी होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, तब हम डू का प्रयोग करते हैं। अब डज को देखते हैं, डज जो हेल्पिंग वर्ब है ना, उसका प्रयोग कब करते हैं, जब सेंटेंस है ना उसमें सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो, और वर्ब भी कैसी होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, तब डज का प्रयोग करते हैं। डिड का प्रयोग कहां किया जाता है, जब सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म दी हो, सेकंड दी हो, तब हम डिड का प्रयोग करते हैं।
चलिए तो अब इसको एग्जाम्पल को सॉल्व करके देख लेते हैं। तो क्या लिखा है, ही गेट सैलरी वाले सेंटेंस के पहले नो सूनर का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन इस सेंटेंस को इन्वर्टेड में बदल दिया जाएगा। तो इन्वर्टेड में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब पहले लेना पड़ेगा। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें है नहीं है, तो हम डू डस डिड का प्रयोग करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट जो ही है ना वो कैसा है भाई, सिंगुलर है, और वर्ब में क्या लगा है, एस लगा है। जिस वर्ब में एस, ई एस और आई एस लगा होता है वह वर्ब सिंगुलर होती है। तो ये वर्ब कैसी है, सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर तो काय का प्रयोग किया जाता है, डज का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसके आंसर में देखें क्या लिखा हुआ है, डज लिखा हुआ है। जब डज का प्रयोग हो जाता है, जो वर्ब में एस, ई एस और आई एस जुड़ा होता है उनको हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। इसलिए गेट्स में से एस हटा दिया गया है। और फोर्थ पॉइंट देखें, देन का प्रयोग कहां करते हैं, दोनों सेंटेंसों के बीच में करते हैं। तो दोनों सेंटेंस को जब हम जोड़ते हैं तो किससे जोड़ देते हैं, देन से। कहने का तात्पर्य है सेकंड सेंटेंस को लिखने से पहले आप देन का प्रयोग कर दें। चलिए तो आप सेकंड एग्जांपल को देख लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, द रेट सी द कैट। तो क्रिया पहले किस में घटित हो रही है भाई, पहले वाले सेंटेंस में हो रही है, तो इसलिए नो सूनर के बाद कौन सा सेंटेंस आएगा, ये वाला आएगा। लेकिन इस सेंटेंस को कैसा लिखा जाएगा, इन्वर्टेड करके लिखा जाएगा। इन्वर्टेड मतलब हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें दी नहीं है, इसलिए डू डज डिड में से ही यूज होगी। तो अब सब्जेक्ट देखते हैं कैसा है, सब्जेक्ट कैसा है, प्यूलर है। रेट्स मतलब बहुत सारे चूहे हैं, जो बहुत सारे होते हैं वो प्यूलर कहलाता है। और वर्ब जो है ना कैसी लगी हुई है, प्लूरल वर्ब है यहाँ पर। इसलिए जब सब्जेक्ट प्लूरल का हो और वर्ब भी प्लूरल की हो तो काय का प्रयोग होता है, डू का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इसके बाद डू लिख दिया गया है। अब उसके बाद क्या कर दिया, उस सेंटेंस को लिख दिया गया है और सेकंड सेंटेंस के पहले काय का प्रयोग कर दिया गया है, देन का प्रयोग कर दिया गया है। उम्मीद है कि आपको ये नो सूनर देन का प्रयोग समझ में आया होगा। चलिए तो आप कुछ एग्जांपल के द्वारा इसकी प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखें क्या लिखा है, यहाँ पर एस सून एस से पहले ही सेंटेंस कंबाइन करके दिए हैं, आपको नो सूनर देन का इसमें प्रयोग करना है। तो एस सून एस को हटा देना है, उसके स्थान पर क्या लिख देना है, नो सूनर लिख देना है। मगर ये ध्यान रखना है कि नो सूनर के बाद जो सेंटेंस आता है उसको कायम बदला जाता है, इन्वर्टेड में बदला जाता है। चलिए तो करके देखते हैं। तो एस सून एस के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, इसका आंसर नीचे है, नो सूनर लिख दिया गया है। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है इसमें हेल्पिंग वर्ब है नहीं है, हेल्पिंग वर्ब जब नहीं होती है तो हम काय का प्रयोग करते हैं, डू, डज और काय का, डिड का प्रयोग करते हैं। चलिए तो हम देखते हैं किसमें, इन तीनों में से किसका प्रयोग होगा। तो यहाँ पर देखें ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और यहाँ कम्स में क्या लगा है, एस लगा है। तो ये वर्ब भी कैसी हो गई, सिंगुलर हो गई। जब सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब तो काय का प्रयोग होता है, डज का। इसलिए देखें आंसर में क्या लिखा हुआ है, डज लगा है। और ये ध्यान रखना जब डज का प्रयोग हो जाता है इसमें से जो भी चीज़ जुड़ी होती है, कम वर्ब होती है, कम में क्या लगा, एस लगा, इसको सिंगुलर बनाने के लिए, तो एस को हटा दिया गया है। और फिर उसके बाद जो कॉमा है या सेकंड सेंटेंस के पहले काय का प्रयोग कर देते हैं, देन का। या तो आप याद रख सकते हैं कॉमा को हटाकर देन लिख देते हैं, या सेकंड सेंटेंस के पहले देन का प्रयोग कर देते हैं। अब यहाँ पर सेकंड सेंटेंस पहले ही अपन सॉल्व कर चुके हैं, थर्ड को देख लेते हैं। थर्ड में क्या लिखा है, एस सून एस के स्थान पर क्या रख दिया गया है, नो सूनर रख दिया गया है। सूनर को लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड क्वेश्चन लिखते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हम लेंगे डू डज डिड में से लेंगे, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब दी नहीं है। तो यहाँ पर क्या लगा है, रैंग। रैंग जो है ना रिंग की सेकंड फॉर्म होती है। तो जो रिंग की जो सेकंड फॉर्म होने के कारण इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग किया जाएगा। मगर ये ध्यान रखना है जब सेकंड फॉर्म दी होती है और जब हम डिड का प्रयोग कर देते हैं तो इस सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदल देते हैं। तो आंसर में देखें जो रैंग जो सेकंड फॉर्म है उसकी जगह हमने क्या लिखा है, रिंग लिखा है, क्योंकि जो सेकंड फॉर्म है वो कायम बदल जाती है, फर्स्ट फॉर्म में बदल जाती है। क्यों बदल जाती है, क्योंकि जो डिड भी है ना वो सेकंड फॉर्म है। क्या है, डिड एक सेकंड फॉर्म है। ये जो सेकंड फॉर्म लगने के कारण फिर हमें सेंटेंस में दूसरी सेकंड फॉर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसको हम क्या बदल देते हैं, फर्स्ट फॉर्म में, या उसी को हम बेस फॉर्म भी बोलते हैं। चलिए तो और अब हम क्या करते हैं, जो कॉमा है या सेकंड सेंटेंस के पहले हम काय का प्रयोग कर देते हैं, देन का प्रयोग कर देते हैं। इसलिए या कह सकते हैं कॉमा को हटाकर देन लिख दें, या सेकंड सेंटेंस को लिखने से पहले देन का प्रयोग कर दें। उम्मीद करते हैं ये आपको आंसर समझ में आ गए होंगे। आप इन सेंटेंस को सेल्फ सॉल्व करके देखें। चलिए तो कुछ एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। तो लिखा हुआ है रीराइट मतलब डबल से लिखना है, यूजिंग मतलब प्रयोग कर, काय का प्रयोग कर, एस सून एस का प्रयोग कर, इन सेंटेंस को डबल से लिखना है। तो ये सेंटेंस जो है ना नो सूनर से कंबाइन करके दिए हैं, इनके स्थान पर हमको एस सून एस का प्रयोग करना है। तो नो सूनर के स्थान पर हम क्या लिख देंगे भाई, एस सून एस लिख देंगे। मगर ये ध्यान रखना है नो सूनर के बाद सेंटेंस जो होता है इन्वर्टेड आता है, और एस सून एस के बाद सेंटेंस असर्टिव आता है। कहने का तात्पर्य ये है कि नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है और एस सून एस के बाद सब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट होता है।
चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, नौ सूनस के स्थान पे क्या लिख दिया गया है, एस सूनस लिख दिया गया है। अब इस डेट को हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। जब भी आप डेट को हटाओ, जो सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म लिखी होगी उसको सेकंड फॉर्म में बदल देना है। इसलिए सी की जगह यहाँ पर आंसर में क्या लिखा है, सा लिखा है। और देन को हटा देना है, उसके स्थान पर कॉमा लगा देना है। इस सेंटेंस में कॉमा नहीं लगा है, ज़रूरी नहीं होता कि कॉमा लगाना ही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सेंटेंस पर, तो कॉमा लगाना ज़्यादा बेटर रहता है। इसलिए आप कॉमा लगा देना, देन को हटाना है और उसकी जगह पर कॉमा लगा देना है। नेक्स्ट को देखते हैं, तो नेक्स्ट में लिखा है नो सूनर, इसके स्थान पर क्या आ गया भाई, एस सूनेस आ गया है। अब यहां पर क्या लिखा है, डज लिखा है। जब भी आप डज को हटाएं, जो वर्ब है उसमें एस या ईएस या आईएस तीनों में से कुछ एक कोई चीज जुड़ती है। तो देखते हैं यहां पर क्या लिखा है, रीच लिखा है। जब वर्ब में अंत में सी एच होना, उसमें ईएस प्लस होता है, तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, रीचेस कर दिया गया है। और देन के स्थान पर क्या लगा दे, कॉमा, और सेकंड सेंटेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। थर्ड को देख लेते हैं, थर्ड में क्या लिखा हुआ है, नो सूनर, इसके स्थान पर क्या जाएगा, एस सूनेस जाएगा। अब यहां पर क्या लिखा है, डू लिखा हुआ है। जब सेंटेंस में डू लिखा हो तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना होता है, और आप डू को हटा दें और बाकी यथावत वैसे ही लिख दें। तो क्या लिखा है, आई सी, तो आप देखें यहां पर क्या लिखा है, आई सी, और वैसे की वैसा लिख दिया गया है। और जो देन होता है, देन के स्थान पर कॉमा लगा दें। चलिए फोर्थ को समझ लेते हैं, फोर्थ में लिखा है नौसूनर, नौसूनर के स्थान पर क्या जाएगा, एस सूनेस जाएगा। अब यहाँ पर डस को हटाएंगे, मैंने पहले ही बता दिया है, डस को जब हटाते हैं तो वर्ब में क्या लगा दें, एस, ईएस या आईएस तीनों में से कुछ जुड़ जाता है। तो यहाँ पर स्टार्ट है, स्टार्ट में क्या लगा दिया गया, एस लगा दिया गया है। और देन के स्थान पर क्या लगा दें, आप कॉमा लगा दें और बाकी यथावत उतार दें। आप पाँचवा एग्जाम्पल आप खुद करके देख सकते हैं।